तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2 लेकर आ चुका हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि तांजिरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाता है ताकि वो अपने लिए नई तलवार बनवा सके। और यहाँ पर मित्सुरी तांजिरो को बताती कि विलेज के अंदर एक सीक्रेट हथियार छुपा हुआ है, और अगर वो तांजिरो को मिल जाए तो तांजिरो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अगले दिन जब तांजिरो उसे ढूंढने के लिए जाता है तो उसे मिस्ट का हाशिरा मिलता है। वो यहाँ पर एक बच्चे को परेशान कर रहा था, और वो बच्चा मोइचिरो से कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे चाबी नहीं देगा। और वो मोइचिरो को ये भी नहीं बताएगा कि आखिर इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। उस बच्चे के पीछे एक सैमुराई जैसा पपेट मौजूद था, जिसे तांजिरो अपने सपने वाला इंसान समझ रहा था, वो तो असलियत में एक पपेट निकला। और अब इसीलिए तांजिरो फैसला करता है कि उन्हें इन लोगों के आपसी मामले के अंदर दखल नहीं देना चाहिए। ये बात सुनकर मोइचिरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उस बच्चे को नॉकआउट कर देता है। और तांजिरो से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहाँ पर मोइचिरो से आकर बहस करने लगता है। तांजिरो से मोइचिरो का हाथ भी नहीं हिल पाता, जबकि दिखने में मोइचिरो से काफी ज्यादा कमजोर लगता है। मोइचिरो यहाँ पर तांजिरो को एक एल्बो मार देता है, जिस वजह से तांजिरो जमीन पर गिर गया था। अब मोइचिरो तांजिरो की काफी ज्यादा बदनामी करने लगता है। मोइचिरो तांजिरो को एक बेवकूफ कहने के साथ साथ ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हें डीमन स्लेयर्स के अंदर दाखिला किसने दे दिया। मोइचिरो अब तांजिरो के पीछे लगे हुए बक्से को देखने लगता है, और वो यहाँ पर सेंस कर पता लगा पा रहा था कि आखिर इसके अंदर कोई डीमन मौजूद है। लेकिन तांजिरो उस बक्से को हाथ लगाने से मना करने लगता है, और इसी के चलते वो उस बच्चे को भी छोड़ देता है। तांजिरो उस बच्चे से बात करना चाहता था, लेकिन वो बच्चा कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे चाबी नहीं देगा। और इतना सुनकर मोइचिरो उस बच्चे की भी बेइज्जती करने लगता है। वो उस बच्चे से कहने लगता है कि एक हाशिरा का समय काफी ज्यादा कीमती होता है, और अगर ये टूट जाए तो तुम नया बना लेना। एक हाशिरा के समय की कीमत तुम जैसे लोगों की कीमत से काफी ज्यादा होती है। तुम इस विलेज के लोग सिर्फ हथियार बना सकते हो, लेकिन उससे लड़ कभी नहीं सकते, तो इसीलिए वो चाबी मुझे दे दो। ये चीज सुनने के साथ ही तांजिरो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, और वो कहने लगता है कि आखिर तुम किस तरह के हाशिरा हो, तुम्हें तो तरीके से बात करनी भी नहीं आती। तांजिरो कहने लगते हैं कि एक वॉरियर और एक स्वॉर्ड्स में दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। अगर ये लोग हथियार नहीं बनाएंगे तो आखिर हम लोग साथ में लड़ेंगे कैसे। अब मोइचिरो तांजिरो को भी इन्हीं लोगों की तरह बेवकूफ कहने लगता है, और वो बताता है कि उसे तांजिरो की एक फालतू की स्पीच नहीं सुननी। इस सब के बाद वो तांजिरो को भी नॉक कर देता है, और तांजिरो इस बार जमीन पर पड़ा हुआ था, और होतारू भी इन लोगों की बात पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा था। होतारू अब तांजिरो के पास आ जाता है, लेकिन तांजिरो अब जागने लगता है, जिस वजह से होतारू वहां से गायब हो जाता है। उठने के साथ ही तांजिरो पूछने लगता है कि क्या होतारू यहां पर आए थे, तो बच्चा बोलता है कि यहां पर कोई नहीं आया। और अब तांजिरो उस बच्चे से अपना नाम पूछता है, जो कि था कोतेत्सु। तांजिरो अब उससे उस डॉल के बारे में पूछने लगता है, और योतेत्सु उसे बताता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है, और उसे चलाने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है। मोइचिरो को उस डॉल को चलाने के लिए उस चाबी की जरूरत है। योतेत्सु बताता है कि वो डॉल काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे फाइटिंग मूव्स डाले गए हैं। ये डॉल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि किसी इंसान को भी हरा सकती है, और इसे हाशिरा बनने की ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि मोइचिरो ने यहाँ पर उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। तांजिरो उस डॉल के 6 हाथ देखकर हैरान था। कोतेत्सु तांजिरो को बताता है कि ये डॉल उसके पूर्वजों ने बनाई थी, और ये डॉल योरिची की ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी, और इसी वजह से इसके 6 हाथ है। तांजिरो अब उस डॉल का चेहरा देखने लगता है, और उसे याद आने लगता है कि उसने इस चेहरे को कहीं पर तो देखा है। तांजिरो योतेत्सु से उस योद्धा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन योतेत्सु बताता है कि उसे नहीं पता कि आखिर वो वॉरियर कहाँ पर है। योतेत्सु ये भी बताता है कि वो योद्धा 300 साल पहले जिंदा था। और ये बात सुनने के साथ ही तांजिरो हैरान हो जाता है कि आखिर 300 साल से ये डॉल कैसे काम कर रही है। योतेत्सु बताता है कि पुराने लोग काफी ज्यादा एडवांस हुआ करते थे, और उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे काफी ज्यादा बेहतरीन थी। तांजिरो मोइचिरो को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से लड़ाई कर रहा था। तांजिरो को पता चलता है कि वो तो उससे उम्र में भी काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी वो तांजिरो से काफी ज्यादा पावरफुल है।
अचानक से वहाँ पर एक कासुकागी क्रो आ जाता है जो बताते है कि आखिर ताकतवर हो भी क्यों ना, आखिर वो एक सन ब्रीदिंग वॉरियर का वंशज है। तांजीरो कहने लगता है कि लेकिन ये तो सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, और वो क्रो यहाँ पर तांजीरो का गाल काट लेती है और बताते है कि तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती करी है। और अब अचानक से तांजीरो को याद आता है कि योरिची को तो उसने अपने सपने में देखा था। वो क्रो तांजीरो को बेवकूफ कहने लगता है, आखिर 300 साल पहले मरा हुआ योद्धा उसके सपने में कैसे आ सकता है। और तांजीरो को लगने लगता है कि वो पूरी तरह से बेवकूफ हो गया है। कोतेत्सु बताता है कि हो सकता है कि तुमने अपने पूर्वजों की मेमोरी देख ली हो, इस विलेज में ऐसी पुरानी मेमोरीज दिखने की घटना कभी कभार होती रहती है, यानी कि जो चीज तांजीरो ने अपने सपने में देखी थी वो उसके पूर्वजों की ही मेमोरी होगी। और ये बात सुनकर तांजीरो को चैन आता है और अचानक से दूसरी तरफ से जोर की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि मोइचिरो ने इस डॉल को डैमेज कर दिया था। कोतेत्सु से ये सब कुछ देखा नहीं जाता इसलिए वो वहां से भाग जाता है, लेकिन तांजीरो अपनी नाक की मदद से उसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो जाकर एक पेड़ पर छुपा हुआ था। तांजीरो उसे मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि वो उस डॉल के साथ चाहे जो भी करे, उसे अपने भविष्य के लिए ताकतवर बनने की जरूरत है। अब कोतेत्सु नीचे नहीं आता तो तांजीरो ही उस पेड़ पर चढ़ जाता है और तांजीरो उससे कहने लगता है कि अगर तुम ये काम नहीं कर सके तो हो सकता है कि तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन इस चीज को करने में कामयाब हो जाए। तांजीरो उसे बताने लगता है कि वो मुजान को मारना चाहता है और शायद उसे मारने के साथ ही उसकी बहन भी सही हो पाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सब के चक्कर में तांजीरो खुद भी मारा जाए। लेकिन अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मेरी जगह कोई और ये काम जरूर करेगा। तांजीरो की ये बात सुनने के साथ कोतेत्सु रोने लगता है और अब कोतेत्सु को उस डॉल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। रास्ते में जाते हुए इन लोगों को मोइचिरो मिलता है। मोइचिरो इन लोगों को बताता है कि उस डॉल के साथ इसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इस सब के चक्कर में उसकी तलवार टूट गई, इसीलिए अब वो उस डॉल की तलवार लेकर जा रहा है, लेकिन तलवार के साथ साथ उसने डॉल का हाथ भी उखाड़ दिया था। कोतेत्सु अपनी डॉल की हालत देखने जा रहा था और मोइचिरो अपनी पुरानी तलवार तांजीरो के सर पर दे मारता है। तांजीरो कोतेत्सु के पीछे जाने लगता है और अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है। उस डॉल की हालत अब काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और तांजीरो कोतेत्सु से कहता है कि हमें चेक करना चाहिए कि ये डॉल अभी भी काम कर रही है या फिर नहीं। ये लोग उस डॉल के अंदर चाबी डालकर उसे शुरू कर देते हैं और वो डॉल अभी भी काम कर रही थी। कोतेत्सु चाहता था कि तांजीरो उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करे और उस बेवकूफ मिस्ट के हाशिरा को हरा दे। तांजीरो उसके साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन पांच हाथों के साथ भी तांजीरो को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और तलवार निकालकर इन लोगों ने वहां पर लकड़ी के टुकड़े लगा दिए थे ताकि ट्रेनिंग करने में आसानी हो। कोतेत्सु यहाँ पर मोइचिरो को गालियां देने लगता है और तांजीरो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू थी। कोतेत्सु यहाँ पर तांजीरो को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें तब तक खाना नहीं दूंगा जब तक कि तुम जीत नहीं जाते। और अब इसी चक्कर में तांजीरो की पिटाई भी 5 दिनों तक जारी रहती है। तांजीरो उस डॉल को नहीं हरा पाता और कोतेत्सु नरमी बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं था। तांजीरो एक डीमन स्लेयर था इसीलिए यहाँ पर अभी तक जिंदा है, वरना खाने पीने के बिना तो एक आम आदमी 3 दिन के अंदर ही मर जाता। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पर तांजीरो को पानी पीने को मिल जाता है। ट्रेनिंग करते समय तांजीरो बिल्कुल पागल हो चुका था, उसे लगने लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन स्वर्ग का पुल पार करते समय भी वो नदी के अंदर गिर जाता है। नदी के अंदर काफी सारे हाथ आकर तांजीरो को सहारा देने लगते हैं और पानी के तल पर उसे कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है और अचानक से वो होश में आ जाता है। अब अचानक से तांजीरो को मालूम चलने लगता है कि डॉल का कौन सा हाथ वार करने वाला है, जिस चक्कर में वो उसे डॉच करते हुए उस डॉल की तरफ वार करने लगता है। उस वार से डॉल को ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन कोतेत्सु ये देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो कहने लगता है कि तांजीरो को आज खाना जरूर मिलेगा। और अब तांजीरो चिल्लाते हुए अपना खाना मंगवाने लगता है। तांजीरो ने यहाँ पर राइस बॉल्स और चाय मंगवाई थी। इस सब के बाद वो वापस डॉल के साथ ट्रेनिंग करने में लग जाता है और एक समय वो डॉल के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक करने लगता है। अगर ये डॉल टूट गई तो कोतेत्सु काफी ज्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन कोतेत्सु कहने लगता है कि अगर ये टूट जाए तो इसे टूट जाने दो, मैं इसे फिर से फिक्स कर लूंगा। तांजीरो अपनी पूरी पावर की मदद से उस डॉल पर अटैक करता है, जिस वजह से उसकी तलवार के साथ साथ उसका कुछ और भी टूट जाता है।
उस वार की वजह से उस डॉल का चेहरा टूट गया था और ये लोग देखते हैं कि उस डॉल के अंदर एक काफी पुरानी तलवार भी मौजूद थी। और कोतेत्सु कहने लगता है कि ये तलवार शायद 300 साल पुरानी होगी। और इसी के चलते ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इसी टाइप की वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू जस्ट एक्सप्लेन। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।